हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब तो स्टूडेंट्स सी एम इंस्टीट्यूट ने आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट वन रिलीज कर दिया है और ये जो आपका एग्जाम होने वाला है ये होगा जी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है कहने का मतलब ये एग्जाम आपका ऑनलाइन पैटर्न तो रहेगा बट आपको एग्जाम सेंटर पे जाके देना है लास्ट एग्जाम जो सीएमए स्टूडेंट ने सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने जो एग्जाम सेंटर पे दिया है वो दिया था जी दिसंबर 2019 में दिया था जो एक एग्जाम था जी जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसके बाद जो भी एग्जाम हुए हैं अब तक दिसंबर 2019 के बाद वो सारे ऑनलाइन एग्जाम रहे हैं और स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम सारे एग्जाम घर से दिए हैं इस पर एग्जाम आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है लेकिन एग्जाम आपको सेंटर पे जाके देना है तुम आपके सामने एग्जाम का अगर पैटर्न जो आपका एग्जाम होने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर वो पैटर्न आपका इस मॉक टेस्ट के ऊपर रहता है ठीक है जी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस मॉक टेस्ट से तो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट वन मैं आपके सामने एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन तो ऑलरेडी इस पेपर में आपको दे ही रखे हैं तो आपका जो टाइम अलाउड है वो पहले भी तीन घंटे होता था जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे अब भी तीन घंटे ही है एग्जाम का जो मार्क्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है वो पहले भी सौ मार्क्स का होता था और अब भी हंड्रेड मार्क्स का है ठीक है जी उसके बाद आपको बता रखा है इसमें कि आपका जो पेपर है वो चार सेक्शन में डिवाइड कर रखा है लेकिन 2019 का दिसंबर 2019 का जो एग्जाम था या उससे पहले जो एग्जाम होते थे वो दो सेक्शन में होते थे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी और सेक्शन ए जो होता था वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता था और ये कवर करता था सेक्शन ए 25 मार्क्स कवर करता था और सेक्शन बी आपका 75 मार्क्स कवर करता था लेकिन इस बार सी इंस्टीट्यूट ने आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चार सेक्शन में बना रखे हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ठीक है जी और आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दी है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को करने के लिए आपके लिए जो मैक्सिमम टाइम अलॉटेड है वो 50 मिनट है तो इसका मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके लिए स्कोरिंग रहने वाला है कम टाइम में ज्यादा मार्क्स का आप सोल्यूशन कर पाओगे तो देखते हैं जी सेक्शन ए में क्या कवर किया है तो देखेंगे अपने स्क्रीन पे सेक्शन ए तो सेक्शन ए जो है आपका कहता है वो 20 मार्क्स कवर कर रहा है ठीक है जी कहने का मतलब इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन वन मार्क का रहेगा तो बीस क्वेश्चन कवर करेंगे जी आपके ट्वेंटी मार्क्स कवर करेंगे अब क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे तो यहां पे इंस्ट्रक्शन दे रखा आपको ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय फोर आंसर चॉइसेस कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको एक क्वेश्चन देगा और आपको चार ऑप्शन देगा ठीक है जी ए बी सी डी कहने का मतलब मल्टीपल चोइस क्वेश्चन रहने वाले हैं तो सेक्शन ए ट्वेंटी क्वेश्चन इंटू वन मार्क्स के हिसाब से सेक्शन ए ने कवर किए जी ट्वेंटी मार्क्स कवर कर लिए और सेक्शन ए और सेक्शन बी को करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ने फिफ्टी मिनट्स अलाउड किए हैं तो ये आपके सामने ट्वेंटी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है जी तो ये मॉक टेस्ट वन है तो इसके आगे वन लगाने का मतलब ये हो गया कि सीएमए इंस्टीट्यूट आपके सामने अभी और मॉक टेस्ट भी लाएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपके पहले भी आया करते थे एग्जाम में 2019 दिसंबर में लेकिन उस टाइम पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में दस रहते थे ठीक है जी और पांच आपके रहते थे मैथ दिंग पांच रहते थे आपके फॉल्स और पांच रहते थे उस टाइम पे आपके दिसंबर 2019 में रहते थे जी फिल इन ब्लैक इसी टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन जो होते थे वो 25 मार्क्स कवर करते थे लेकिन यहां पे 20 मार्क्स तो आपके सेक्शन ए ने कवर कर दिया बात कर रहा हूं आपके सामने में सेक्शन बी की कहते सेक्शन बी जो है वो भी ट्वेंटी मार्क्स का है तो सेक्शन बी में आपसे पूछने वाला है फिर से 20 क्वेश्चन पूछने वाला है जी वन मार्क्स के हिसाब से 20 मार्क्स का ठीक है जी कहने का मतलब कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं कैसे तो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी टाइम अलाउड है जी 50 मिनट्स और सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी ये हो गया जी फोर्टी मार्क्स का हो गया कहने का मतलब पचास मिनट में आप फोर्टी मार्क्स का कवर कर सकते हैं पेपर और इससे बड़ी बात क्या होगी पचास मिनट में फोर्टी मार्क्स आप कवर कर सकते हैं तो बच्चा पास तो यही हो जाएगा ठीक है जी तो सेकेंड क्वेश्चन में कहता है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई ए स्पेस जहां पे आपको क्या करना अपने आंसर को टाइप करना है ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है जी आपको अपना आंसर क्या करना है टाइप करना है कहने का मतलब आपको टिक नहीं करना है आपको ऑप्शन में चॉइसेस नहीं करनी आपको अपना आंसर क्या करना है टाइपिंग करनी है इस पर ठीक है जी तो इस टाइप से आपको सेक्शन बी में भी ट्वेंटी क्वेश्चन दिए जाएंगे वन मार्क्स के हिसाब से ट्वेंटी मार्क्स के और आपको अपना आंसर इस बार टाइपिंग करना है सेंटर पे जाना है आपको वहां पे जाके जो भी द ब्लैंक होगा वो आंसर आपको क्या करना है टाइपिंग करनी है अगर पेपर का पैटर्न आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका पैटर्न अगर इसी मॉक टेस्ट के बेसिस पे रहता है तो फिर आपको अपना आंसर क्या करना पड़ेगा जी टाइपिंग करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो आप देख सकते हैं जगह जगह, जगह जहां पे भी द ब्लैंक का क्वेश्चन है वहां पे लिखा है टाइप योर आंसर हेयर तो आपको क्या टाइप करना है जी ट्रेड आपको टाइप करना पड़ेगा कहने का मतलब कंप्यूटर में माउस भी होगा और साथ साथ कीबोर्ड भी होगा टाइप तो आप तभी कर पाएंगे उसके बाद सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी कवर कर रहा है जी आपका 40 मार्क्स कवर कर रहा है और यहां पे दे देखा आपको चार क्वेश्चन करने हैं और पर क्वेश्चन होगा जी 10 मार्क्स का तो सेक्शन ए ने कवर किए 20 मार्क्स सेक्शन बी ने कवर किए 20 मार्क्स एंड सेक्शन सी कवर कर रहा है जी 40 मार्क्स कहने का मतलब अप टू सेक्शन सी 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो चुका है और सेक्शन सी में आपको कोई चार क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन दिसंबर 2019 में क्या होता था फर्स्ट क्वेश्चन आप करते थे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते थे बाकी सेवन में से आपको कोई फाइव क्वेश्चन करने होते थे दिसंबर 2019 जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो सात में से कोई पांच क्वेश्चन करने होते थे आपको तो वहां भी आप दो क्वेश्चन छोड़ सकते थे और यहां सेक्शन सी में भी आप कोई दो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं तो आपको छ में से चार क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्या करेगा क्वेश्चन के बाद आपको स्पेस दे रखा होगा जहां पे आपको अपना आंसर क्या करना है जी टाइप करना है। December 2019 के बाद जो भी एग्जाम आपने घर से किए हैं वो सारे एग्जाम उसमें टाइपिंग का ऑप्शन नहीं होता था वो सारे एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे आपको एक पूरा क्वेश्चन दे दिया जाता था और उसके चार से पांच ऑप्शन बना देता था चार से पांच उसके ऊपर क्वेश्चन बना देता था और सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे ठीक लेकिन इस बार पैटर्न अगर यही रहता आपका मॉक टेस्ट वाला तो आपको अपना आंसर क्या करना पड़ेगा टाइप करना पड़ेगा जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ए दे रखा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का ठीक है जी तो इसमें क्या किया ये तो क्वेश्चन हो गया अब क्वेश्चन में ये टेबल आपको बना के देगा और आपको पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट बताना होगा तो आप यहां पे टाइप करने वाले हैं कि प्रॉफिट वाज़ ओवर स्टेटेड बाई रुपीज टू थाउजेंड इस टाइप से आपको टाइप करना पड़ेगा तो अभी इसे टाइपिंग की प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी स्टार्ट करनी पड़ेगी ठीक है जी इस टाइप से जितना भी ये ब्लू में लिखा हुआ है ये सारा क्या करना है जी ये सारा आपको टाइप करना है एग्जाम में जाके अगर पेपर का पैटर्न यही वाला रहता है तो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर ठीक है जी फाइव सिक्स सेवन और एट क्या कहा मैंने थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो सिक्स में से कोई भी आपको चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया जी ये बी पार्ट क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या दे रखा है आपको यहां पे स्पेस दे दिया और क्या लिख दिया टाइप योर आंसर हेयर आपको क्या करना है यहां पे अपने आंसर को टाइप करना है ठीक है जी तो जितना भी ये ब्लू में दे रखा है इस सबके ऊपर लिखा हुआ है टाइप करना है आपको अपना आंसर यहां पे उसके बाद मैं चल रहा हूं जी आपके सामने डिस्कस करूंगा सेक्शन डी सेक्शन डी है ना थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है कैसे मुश्किल कैसे बना दिया यहां पे दो क्वेश्चन दिए और दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी क्वेश्चन है यहां पे कोई भी चॉइस नहीं दी आपको क्या लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन सेक्शन सी में आपको छ में से कोई चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे लेकिन सेक्शन डी में दो क्वेश्चन दिए और कहता है दोनों के दोनों अटेम्प्ट करके दिखाने हैं ठीक है जी दस मार्क्स के हिसाब से दो क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स के बनते हैं और बिल्कुल आंसर वैसे ही करना है आपको अपना आंसर क्या करना है जी टाइप करके दिखाना है तो जैसे क्वेश्चन नंबर नाइन दिया और यहां पे फॉर्मेट प्रॉपर बना के दे रहा आपको तो ये टाइम आपका बच जाएगा लेकिन अपना आंसर आपको क्या करना है जैसे टू ओपनिंग स्टॉक ये आपको टाइप करना और अमाउंट भी टाइप करना है ठीक तो ये आपका सेक्शन डी ये कवर करेगा जी आपका ट्वेंटी मार्क्स का कवर करेगा सेक्शन तो ए जो है आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है जहां पे आपको ट्वेंटी क्वेश्चन करने हैं ट्वेंटी मार्क्स के सेक्शन बी जो है वो फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू एंड फॉल्स का पार्ट है वहां पे भी आपके ट्वेंटी क्वेश्चन रहेंगे ट्वेंटी मार्क्स के और सेक्शन ए और बी फोर्टी मार्क्स के आपको 50 मिनट टाइम अलाउड है तो 50 मिनट में अगर आप 40 मार्क्स का कवर कर लेते हैं तो 180 मिनट में से 50 मिनट आपने सेक्शन ए और बी को दे दिए तो आपके बचे आपके पास बचे जी 130 मिनट बचे 130 मिनट का मतलब हो गया दो घंटे दस मिनट बचे और अब आप आपको अटेम्प्ट करना है साठ नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है जी तो आशा करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ठीक